Hi guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about IUPAC nomenclature of functional group. आज हम जिस functional group की study करने वाले हैं वो है sulfonic acid. Next देखिए, जो अपनी functional group priority table थी उसके अंदर second number पे कौन था? Sulfonic acid, उसका formula SO3H. IUPAC nomenclature क्या होता है इसका? कि alkane sulfonic acid. ठीक है, यदि अपन बाय डिफॉल्ट एल्केन ले रहे हैं तो एल्केन सल्फोनिक एसिड होगा. प्रीफिक्स लगता है इसके अंदर सल्फो और जो सफिक्स होगा वो सल्फोनिक एसिड. अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? जिसके अंदर मान लीजिए एल्केन है तो एल्केन के अंदर एल्क क्या हो गया? वर्ड रूट. एन क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स. और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया? सल्फोनिक एसिड. ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यदि अपनी एल्कीन है तो एल्क इन और सल्फोनिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स. और ऐसे ही एल्काइन है तो एल्क आइन और सल्फोनिक एसिड. ठीक है, इस तरीके से क्या इनका इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. अब देखिए नोमेनक्लेचर के अंदर आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर सीक्वेंस देखिए. सबसे पहले क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा. मतलब यदि अपने पास कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर सब्सटेंट्स दिए हुए तो नेम ऑफ सब्सटेंट्स विद पोजिशन, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स आएगा. ठीक है, इसके अंदर देखिए एग्जांपल, अपन एक एग्जांपल लेते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एग्जांपल के अंदर प्राइमरी जो अपना है फंक्शनल ग्रुप वो चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अपना पेरेंट है या प्राइमरी है या क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल है. तो देखिए सबसे जो प्रायोरिटी टेबल थी उसके अंदर सेकंड नंबर पे कौन आ रहा था? ये वाला ग्रुप. और लास्ट में कौन आ रहा था? ये क्लोरो. ठीक है, तो क्लोरो क्या होता है? एज ए सब्सटेंट्स. और ये क्या हो गया? एज ए फंक्शनल ग्रुप. तो सबसे पहले इसके अंदर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे. तो ये अपनी क्या हो गई? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन. फिर इसके अंदर नंबरिंग देंगे. नंबरिंग के अंदर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी मल्टीपल बॉन्ड से. ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल रही है मल्टीपल बॉन्ड से, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो देखिए जब इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 4 पे क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप आ रहा है. और जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है. इसका मतलब ये वाली जो नंबरिंग है वो अपनी राइट है और ये क्या है? रॉन्ग है. अब इसका नाम लिखते हैं अपन. तो देखिए 4 पे क्या है? क्लोरो. प्राइमरी जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे पहले 4 पे क्लोरो, फिर 4 क्लोरो हो गया, फिर लिखेंगे वर्ड रूट. वर्ड रूट क्या हो जाएगा? इसमें 6 कार्बन एटम है तो हेक्स. 3 पे कौन आ रहा है? इन. तो 3 इन. ठीक है, और 3 पे कौन है? सल्फोनिक एसिड. तो क्या लिखेंगे? 3 सल्फोनिक एसिड. ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें इस एग्जांपल का नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है बहुत ही एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे. तो फंक्शनल ग्रुप देखिए SO3H है और कीटोनिक ग्रुप है. ठीक है, तो इसकी कीटोनिक ग्रुप प्रायोरिटी टेबल के अंदर नीचे आता है और ये वाला ग्रुप ऊपर आता है, इसलिए अपना जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये. उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूड हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ उसके अंदर कार्बन्स इंक्लूड हो या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए. तो देखिए अपनी जो प्रिंसिपल चेन है वो ये वाली हो जाएगी, जिससे क्या है इसमें सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड्स फंक्शनल ग्रुप सब इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग के अंदर फंक्शनल जो अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो देखिए जब इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसको मिल रहे हैं? लोवेस्ट नंबर इस ग्रुप को, जो फंक्शनल ग्रुप है अपना प्रिंसिपल, इसको लोवेस्ट नंबर मिल रहे हैं जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं. तो ये वाली नंबरिंग ही अपनी सही होगी. अब देखिए इसके अंदर नाम लिखते हैं. तो देखिए 7 पोजीशन पे, 7 पे कौन है? इथाइल. तो क्या लिखेंगे? 7 इथाइल, 5 ऑक्सो. ठीक है,
फिर क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या है, ओक्ट। फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा जिसमें सावन, इन, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स जो अपना प्रिंसिपल ग्रुप है उसका क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो बहुत ही इजी सा था, बस अपने को जो पहले रूल्स पढ़े थे उन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए नोमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है, ये एग्जांपल है अपना, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेक करेंगे, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ये सल्फोनिक एसिड। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, नंबरिंग, तो नंबरिंग देखिए, जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, जब इधर से कर रहे हैं नंबरिंग तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इसको कितने मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। और जब इधर से कर रहे हैं तो 1, 2, 3, तब भी इसको क्या मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। मीन्स जब ऐसी सिचुएशन हो, जब दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, दोनों को सेम, मतलब अपोजिट साइड से दोनों को सेम नंबर मिलते हों, तो अपन कौन सा ऑर्डर यूज़ करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज़ करेंगे, जिसके अंदर ब्रोमो बी से स्टार्ट है, क्लोरो सी से स्टार्ट है, जो अपनी जो नंबरिंग होगी वो किधर से सही होगी, ब्रोमो साइड से सही होगी। मीन्स ये वाली नंबरिंग क्या है अपनी, राइट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग अपनी सही है, और ये जो ये वाली नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी, अपनी रोंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो 3 पे क्या है, ब्रोमो, 5 क्लोरो, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट जिसके अंदर बेंजीन, और फिर सल्फोनिक एसिड, ठीक है, तो इजी सा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो इसमें भी एक फंक्शनल ग्रुप है एक्स्ट्रा, और प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, SO3H है, मीन सल्फोनिक एसिड है, और ये सब्सटेंस एज ए सब्सटेंस की तरह वर्क करेगा। तो इसमें नंबरिंग देंगे, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब इधर से नंबरिंग दे रहे हैं तो जो अपना सब्सटेंस है उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर, और जब इधर से नंबरिंग दे रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इधर से भी 4 नंबर। मीन्स किधर से भी अपन नंबरिंग करो, जो भी सब्सटेंस है उसको मिनिमम नंबर मिल रहे हैं, और फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 4 क्लोरो, फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा, बेंजीन, और फिर सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, सल्फोनिक एसिड का अपन IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं।